लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। जी हां, अब सवाल दरअसल यह है कि क्या चुनावी मोड में सरकार आ चुकी है, और हम मोड के साथ साथ मोड़ भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक ऐसा कर्व है ये जहां से मोड और मोड़ को समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है कि क्या चुनावी मोड़ पर इस वक्त सरकार है, क्योंकि यहां से एक टर्न और आप पहुंच जाएंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो समझना ये जरूरी है कि आखिर सरकार की तैयारियां क्या है। कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में 29 एजेंडे गए, 29 में से 28 पर हामी भर दी गई है। उसके साथ साथ कई और मसले हैं जो आज की चर्चा का विषय बनेंगे। वैसे कैबिनेट की बैठक अमूमन यही देखा जाता है कि एक औपचारिकता होती है, औपचारिक तौर पर मिलते हैं तमाम मंत्री और वहां से कुछ कुछ फैसले जिन पर मुहर लगनी होती है वो लगती है। लेकिन जैसे जैसे प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, वो चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है तो फिर इस तरह के कैबिनेट की बैठक के मायने धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। आज भी बढ़ा, क्यों बढ़ा, 6 बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। माने मुख्यमंत्री जी की टीम के बीच में बैठ के फैसला हुआ कि हम शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर शुक्रवार को बाद दोपहर 2 बजे हमारा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। क्वेश्चन मार्क हमेशा सरकार के ऊपर हुआ करता था, तो मुख्यमंत्री जी ने आज तय किया है, कैबिनेट ने आज तय किया है कि जो हमारे ग्रुप सी के लोग हैं HCS के लिए, उनका सीधी भर्ती, जो प्रमोशन या नॉमिनेशन की जो बात थी वो HPSC के थ्रू होगी। वहाँ पे उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद उसके अंदर सीधे तौर पर उनका इंटरव्यू लेके और HPSC ही डायरेक्ट वो करेगी। असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, कर्मकार वर्कर्स, इसमें हमारे रिक्शा पोलर, घरों में सफाई करने वाले लोग, इसी प्रकार से खेत के अंदर काम करने वाले हमारे दिहाड़ीदार मजदूर लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये बोर्ड का हरियाणा सरकार ने गठन करने का फैसला लिया। सरते नियम 94 में संशोधन के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दी है। इसमें अब तक प्रधान सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी या हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव या उच्च पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, या तो चीफ सेक्रेटरी लेवल के, जो चाहे ACS हैं रिटायर्ड या चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग ही आगे से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि कुमारी शैलजा भी अपने आप में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और वो अपने आप को आने वाला सांसद अम्बाड़ा लोकसभा मान रही थी, उन्होंने भी एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की थी कि मैं यमुनानगर में अपने मेयर को जिता के लाऊंगी। अशोक तंवर जी ने पानीपत में प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सीधा सीधा सचदेवा को नहीं वोट देनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देनी है, और मैं हिसार में खुद रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारी पूर्व मंत्री माननीय सावित्री जिंदल जी और पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी घर घर डोर टू डोर गए हैं, पूरा दिन मैं उनके आगे पीछे रहा हूँ लगभग इस वार्ड में। तो जिस प्रकार आज चारों नहीं पंचों कोणों में हरियाणा के सभी नेतृत्व को, जो लोग अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान के चल रहे थे, उनको आज सीधे सीधे पटकनी देकर माने मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, हरियाणा की जनता के सहयोग से, हरियाणा की जनता ने माने मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर जो मोहर लगाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि 4-5 साल के अंदर एक ये बहुत बड़ी माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की एक्सेप्टेशन हरियाणा की जनता ने की है। बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बच रहा है वो। अब नैतिकता तो यदि कोई हो
किसी आदमी के अंदर, तो मेरे ख्याल से तो इस प्रकार का मोह होना नहीं चाहिए। हमने नैतिकता के आधार पे हमारे 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था SYL के नाम पर, कहीं नैतिकता नाम की चीज बची नहीं है। इस प्रकार के परिवार के लोग उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप लगाते हैं, मैं शब्द यूज नहीं कर सकता। उसकी भाभी ने आरोप लगाया है गुंडा है, तो नैतिकता कहां रह गई है? यदि गुंडा शब्द पे ही उसको, यदि कोई ऐसी बात थी उसने इसके लिए करना चाहिए, मैं इस्तीफा दे के बाहर आ रहा हूँ, कराओ जांच, मैं मेरी गुंडागर्दी को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ। और उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, जब घर के लोग कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, उनके घर के कह रहे हैं, मैं तो नहीं, मैंने तो नहीं आरोप लगाया। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि नेता विपक्ष की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए उसको? जी, इन 6 बयानों में बहुत कुछ समझा जा सकता है। विपक्ष पर किस तरीके से हमला किया ये भी समझा जा सकता है, और साथ ही साथ सरकार की नीतियां और खास तौर पर जो असंगठित बोर्ड बनाने की एक बात आई है सामने, इसके राजनीतिक मायने अगर समझेंगे तो बहुत बड़ा एक फैसला ये हो सकता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले रमन मलिक साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। मलिक साहब स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ JD सिंह साहब जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका JD सिंह साहब। मंदीप बिश्नोई साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गोयत साहब हमारे साथ, संदीप गोयत जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रमन मलिक साहब आपसे करना चाहूंगा, असंगठित बोर्ड का जो फैसला लिया गया इसके अगर हम मायने समझने की कोशिश करें, अगर आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रख सकें कि कितने सीधे तौर पर कितने लोग इससे फायदा पहुंचेगा, प्रभावित तो मैं नहीं कहूंगा, कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा? आप हित की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड कब तक बन जाएगा साहब, और कब से ये काम करना शुरू कर देगा, और कैसे उन, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या घर में सफाई करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, कैसे उनको फायदा पहुंचाएंगे, क्या नीति है? देखिए, इस प्रकार का काम और इस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पे भी रहा है कि जहाँ एक तरफ तो मजदूर होते हैं और एक जगह असंगठित मजदूर जिस तरह से बोला जाए वो होते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। ये समाज में खड़ा आखिरी व्यक्ति यही है जो किसी के घर पे, किसी के दुकान पे छोटी सी, किसी के रिक्शा का काम हो गया, कहीं मजदूरी का काम हो गया, कहीं दिहाड़ी का काम हो गया, ये वो लोग हैं। और इन लोगों की सेवा जो अंत्योदय के अंतर है वो सरकार करना चाहती है, उसके लिए ये बोर्ड का गठन हुआ, नंबर एक। नंबर दो, इनकी संख्या एक अच्छी भारी संख्या है जो कि पूरे प्रदेश में अवेलेबल है, सारे प्रदेश में ये है, आपके घर में, मेरे घर में, सब जगह है। और ऐसे भी लोग हैं इसमें जो विस्थापित होके आए हुए हैं, जो किसी और स्टेट से आ जाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सर्व करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे फायदा पहुंचेगा इनको? मैं बता रहा हूं सर, देखिए इसमें मेनली जो रहता है, जैसे अब आपको फायदा ESI वगैरह होता है तो वो फायदा आपको संगठित क्षेत्र में मिलता है, हेल्थ का बेनिफिट है, इंश्योरेंस का बेनिफिट है, उनके हकूकों का बेनिफिट होता है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ वो कहाँ जा सकते हैं, ये इस प्रकार की चीजें जो हैं वो बहुत ज़रा चाहिए। अब जैसे दिल्ली का एक आपको वाकया बताता हूँ कि जब ये रिक्शा का प्रॉब्लम हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होती है, तो वो भी मजदूर उसी संगठन के थे, तो वहां पे गडकरी जी के साथ बैठ के उसकी नीति को नियमावली लाना, उसके नीति को सुनिश्चित करना, ये भी उसी तरीके से करा गया था। तो अगर एक बोर्ड हो तो वो प्रदेश की जनता, प्रदेश में रह रहे ऐसे लोग जिनका रखरखाव देने का खास ध्यान जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर बनाया जा रहा है तो इससे अच्छी कोई काम नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये मानता हूं कि एक सेस और लेबर, माइग्रेटरी लेबर के नाम पे कंस्ट्रक्शन में सेस लिया जाता है, लेकिन उसको भी किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए उसके बहुत साफ। चुनावी साल में जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि ये तो भाई सर अभी तो सितंबर में है चुनाव, अभी कौन सा यहाँ चुनाव आ रहा है साहब? विधानसभा नहीं, लोकसभा तो आने वाले हैं कुछ महीनों में। ये स्टेट का काम है ना जी, केंद्र का काम नहीं ऐसा, है ऐसा थोड़ी है कि केंद्र में किसी और की सरकार है, प्रदेश में किसी और की सरकार नहीं है।
और ऐसा थोड़ी है कि ये मतदाता लोकसभा के लिए चुनाव नहीं देगा, मतदान नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब कोई कदम उठाते हैं उसका जरूर इफेक्ट आज स्टेट में पड़ता है, लेकिन स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो नेशनल पंचायत चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं वो इतना इफेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाती। ये मतदाता के खुश होने से मतलब होता है साहब कि वो किसकी पार्टी किसकी सरकार में वो खुश है सर, और उसी हिसाब से वो वोट भी करता है। आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो अलग मसला है। साकेत जी, इससे भी फर्क पड़ता है कि कौन नाखुश है कौन खुश है, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन इससे भी फर्क पड़ जाता है कि किसकी सोच कैसी है। अब जैसे बोलते हैं ना, रामायण में बोला गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर आपको हर चीज में राजनीति ढूंढने होगी तो वो तो राजनीति है ही साहब, साफ साफ है। अगर आप राजनीति ढूंढेंगे तो राजनीति दिखेगी, और अगर मानवता ढूंढेंगे तो मानवता दिखेगी। अब वो तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं जरा आपके ऑपोजिशन पार्टी से भी इस पर एक रिएक्शन लेता हूँ। शुरुआत गोयल साहब आपसे करना चाहूंगा, मुख्य विपक्षी पार्टी है, हालांकि मुख्य विपक्षी नेता होने के नाते आपके अभय चौटाला जी को इस्तीफा देने के बाद कृष्ण बेदी आज करते हुए नजर आए हैं। खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो असंगठित बोर्ड का गठन और उस असंगठित लोगों का एक फायदा पहुंचाने के लिए जो एक कदम उठाया गया है, ये देर आए दुरुस्त आए वाली पहली है साहब, या फिर पूरा चुनावी फंडा लगता है आपको? देखिए साकेत जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न का पूछा है। जिस प्रकार से आज ये बोर्ड का गठन करने की जो एजेंडा पास किया है कैबिनेट ने, अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक्ट 2008 में आया था। इनको आज 10 साल लग गए बोर्ड को गठित करने में, और मौजूदा सरकार के तो चार साल के करीब निकल गए। इनको 4 साल तक तो ये जागे नहीं। जब चुनावी मोड में जब ये समय आ गया है तो ये एक बोर्ड गठित कर दिया, एक कैबिनेट में एक डिसीजन पास किया कि हम बोर्ड गठित करते हैं। बोर्ड की शक्तियां देखिए, बोर्ड की शक्तियां केवल रिकमेंडेटरी इन नेचर हैं। अगर आप आज की मीटिंग के कुछ पॉइंट्स जो मीडिया में जो सर्कुलेट हुए हैं उसके मुताबिक ये तो रिकमेंडेटरी इन नेचर एज टू स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे। जो स्कीम्स जो हरियाणा सरकार की चल रही हैं उनको मॉनिटर भी करेंगे। जब साकेत जी, एक चीज और पहलू देखने की है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फार्मिंग है, लेबर है, शॉपकीपर है और डोमेस्टिक वर्कर है। जब इन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पहले ही इंडस्ट्रियल एक्ट भी है, और फार्मिंग सेक्टर के लिए जो हरियाणा सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो अलग अलग स्कीमें हरियाणा प्रांत के अंदर पहले से भी मौजूद है। बट एक चीज देखने की बात है, सरकार की नीति कैसी और नीयत कैसी है। नीति तो इनकी स्पष्ट है, 4 साल तो इनको एक्ट 2008 में एक्ट आया, आप सरकार 4 साल हो गए और आज ये बोर्ड का गठित करे हैं, कल ये रिकमेंडेटरी होगा, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी वो वक्त देखेगा। दूसरी बात, जो मौजूदा सरकार के जो मंत्री किशन बेदी जी ने हमारे नेता के ऊपर जो कहते हैं ये बात, ये कम से कम अपने गरीबान में तो जाकर देखे साकेत जी। जिस प्रकार से मणिपुर के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में एक वैंक चकमा जगह है, वहाँ पर तो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। ये कौन सी हमें नीति और ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी हरियाणा के अंदर आकर ये कहा था, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर थे, कि लोकदल को वोट मत देना, कांग्रेस को दे देना, ये तो एक कहीं ना कहीं लोगों को गोलमाल करते हैं। इलेक्शन मोड में सरकार है और इस मेयर चुनाव के बाद जींद का उपचुनाव होना है। जींद के उपचुनाव में इन बातों की वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने आज ये डिसीजन लिए हैं। अगर लोगों को धरातल पर जाके देखे, जो तकलीफ आम जनमानस को हो रही है, उनको उन तकलीफों से बचाने के लिए सरकार की नीयत कैसी है, कितनी साफ है, कितना इन लोगों ने क्या ये लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उस सत्र की दे पाए। आज इस कैबिनेट की बैठक के सारे पॉइंट्स आपके पास भी होंगे, क्या लगता है सरकार अब एक एक्शन में नजर आ रही है या फिर ये डिले हो गया इस एक्शन में? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे इन्होंने चुनाव के समय में पिछली बार भी यही कहा, ये नए चुनावी जुमले गढ़ने में बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और ये भी इनका एक चुनावी जुमला है।
देखिए ये जिस सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये सन 2008 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अगर इनकी नीति और नियत में कोई खोट ना होता, कोई फर्क ना होता, तो ये 4-4.5 साल आज बीतने के बाद इस चीज के ऊपर अमली जामा ना पहनाते। आप लोगों ने क्या किया था जब आप लोग लेके आए थे? और दूसरी बात, 6 साल थे आप लोगों के पास, 6 साल में आप लोगों ने असंगठित वर्कर्स के लिए क्या किया था? ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आप लोगों ने क्या प्लान, क्या नीतियां आप लेकर के आए थे? जी जी, आज आपको आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के अंदर जो 2008 से पहले का समय था, 2005 से जो पहले का समय था, उस समय के अंदर आप ये जो असंगठित हमारे मजदूर हैं, इनकी दशा में और आज की दशा में जमीन आसमान का अंतर है। जब ये कांग्रेस 2014 तक का, उसके बाद वो लोग फिर उसी तरह वही बैकफुट पे आ गए हैं और इन्होंने कुछ भी ना किसी रोजगार की बात की है। कौन था अध्यक्ष इस बोर्ड का? क्या इस बोर्ड की मीटिंग हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, कब गठन हुआ, ये कम से कम पूछे तो सही। हाँ, हम आपको बता रहे हैं ना, सन 2008 में इसका जो गठन था, जो सन 2008 में कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और हरियाणा सरकार ने इसका किया था। आप आपके ऊपर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपने जब से सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, आप कांग्रेस की नीतियों का नाम बदलने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। आप बताइए। और मैं इनसे एक बात पूछनी चाहूंगा। अरे अध्यक्ष कौन था इसका, ये तो बताओ। के इन्होंने हरियाणा के अंदर आवारा पशु, जेडी सिंह साहब, रमन मलिक जी ये पूछ रहे हैं कि आपने जो ये असंगठित वर्कर्स के लिए बोर्ड बनाई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, कितनी बार इसकी बैठकें हुई और क्या क्या पॉलिसीज थी, जो मैंने भी आपसे पूछा था, आप उसके जवाब में गोल मटोल इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं साहब। देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ऐसा है, सन 2008 में इसके बारे में कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और कांग्रेस जो हमारी केंद्र में सरकार थी और हरियाणा में जो सरकार थी, इसने इस बात के ऊपर बहुत स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि इसका हम गठन करेंगे। लेकिन 2014 में सरकार जाने के बाद मतलब गठन नहीं कर पाए ना, उन्होंने बस्ते में ठंडे बस्ते में घेर दी, जिसको नहीं, आप गठन नहीं कर पाए। आपने कैबिनेट के थ्रू एक कोई प्रस्ताव पारित करा होगा गठन करने का लाने के लिए। साकेत जी, अगला इससे पहले चले जाते हैं ना, गठन नहीं करा चलो छोड़ दो, कैबिनेट में पास तो करा होगा गठन करने के लिए, वो कब करा था? ठीक है, चलिए, इसका इसका शायद जवाब ही नहीं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं तो उसका क्या बोलेंगे। मंदीप बिश्नोई साहब के पास चलते हैं। मंदीप बिश्नोई साहब, ये अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बोर्ड का गठन भी हो गया और कुछ महीनों के अंदर इस पर एक प्रोएक्टिव होकर के सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए और फायदा पहुंचने लग गया असंगठित मजदूरों को, तो ये ट्रम्प कार्ड हो जाएगा बीजेपी के लिए? साकेत जी, पिछले 4.25 साल से, 4 साल से ज्यादा हो गया मेरे विचार से, महीना डेढ़ महीना दो महीने इस सरकार को, अब तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। लगभग जो 150 से ज्यादा इनकी घोषणा थी, जो संकल्प पत्र के रूप में ये लेकर के आए थे, हम संकल्प लेते हैं कि सत्ता में आए तो हरियाणा प्रदेश को ये सारी की सारी घोषणाएं हम लागू करेंगे, पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतनमान देने की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देने की, रिपोर्ट लागू करने की, 24 घंटे बिजली देने की। आज हरियाणा प्रदेश की जनता को ना तो स्वच्छ पानी मिल रहा है, किसान दर दर की ठोकरे खा रहा है, किसान आयोग अस्तित्व में आया हुआ है, उसकी कोई एक उपलब्धि ये बता दें। जिस प्रकार से किसान आयोग एक सफेद हाथी के समान है, मुझे तो संदेह है कि कहीं ना कहीं ये बोर्ड भी उसी प्रकार सफेद हाथी बनकर ना रह जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जब ये चुनावी वर्ष है, अभी रमन जी कह रहे थे चुनावी वर्ष अभी नहीं आया है, अगले वर्ष है, जब 1 साल से ज्यादा का समय चुनाव में रहता है तो वो चुनावी वर्ष कहलाता है। आपकी सरकार तो पहले दिन से चुनावी मोड में है, कल भी मुख्यमंत्री तो अच्छा महोदय साहब, रमन जी एक मिनट सुनिए, कल भी मुख्यमंत्री महोदय ने जब शहर की सरकार मेयर चुन करके गए, पार्षद चुन करके गए, उनको भी यही कहा है कि घर मत बैठिए, चुनावों की तैयारी में लग जाए, ना कि ये बात करने की कि आप सरकार के साथ मिल करके सरकार को सुझाव दीजिए शहर का विकास कैसे किया जाए, ये बात बताने की बजाय ये कह गया कि चुनाव में लग जाइए। तो इनके प्रधानमंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री जी केवल सबका साथ सबका विकास के नाम पर, नारे के नाम पर, केवल भाजपा का विकास करने पर लगे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की जगह ये जाट और गैर जाट के बारे में बांटने का काम कर रहे हैं।
केवल बरगला रहे हैं इस तरह के बोर्ड जो आज चुनावी वर्ष में गठित करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संवेद है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं रमन मलिक जी आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूँ। मैनिफेस्टो की बात हुई है साहब, आपके संकल्प की बात हुई है साहब, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेरी गुजारिश है रमन मलिक साहब, आप तब तक देख भी लीजिएगा फिर जो भी रिसर्च आपको करनी है कि उन 154 वादों में से किन किन वादों को आपने पूरा कर दिया, ये हम भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, और जनता टीवी के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि आपके उन 154 वादों में से कितने वादे आपने सिरे चढ़ा दिए हैं साहब। एक छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और आपके सरोकारों के सवाल हम तमाम लोगों से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और सवाल यही है कि चुनावी मोड में सरकार है, तो जब चुनावी मोड में सरकार होती है तो पूछा जाता है कि पिछले बार चुनाव के वक्त आपने जो वादा किया था कितने वादे पूरा कर पाए आप, और उन्हीं वादों की फहरिस्त शायद इस वक्त रमन मलिक साहब देख रहे हैं। मलिक साहब, अगर आप देख चुके हों, टटोल चुके हों, खंगाल चुके हों, रखें आप इस, मैं साकेत जी मेरे को एक बार आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं इन सबको जो पुस्तिका पूरी है कि कितने वादे जो करे थे वो कर लिए हैं, और जितने काम जो बिना वादे के भी करे हैं वो भी सामने दे देंगे। मेरे को इसमें कोई गुरेज नहीं है। पुस्तिका तो हरियाणा को जलाने की है। देखिए आप जिसका दिल जलता है उसको बांटने की, भाई साहब जिसका दिल जल रहा हो उसको सब जगह धुआं ही धुआं नजर आता है, उसमें कोई बात नहीं है। आज दिल जल रहा है क्योंकि हरियाणा की जनता ने आपके अडंबर को नकारते हुए पांचों जगह मेयर भी दिए और 110 में से 61 पार्षद भी दिए, तो वो जो नहीं ठीक है कहना था ना कि आपका जनाधार खत्म हो गया, आप निराधार हो गए, ये सारा आपका भ्रम टूट गया। तो चलिए उसको सवाल उन्होंने किया था, आप उसका अगर संक्षेप में जवाब दे दें, मैं आपको दे देता हूँ जवाब। मेरे को ये बताइए, दो चीजें हैं जो जुबान पे चढ़ी हुई है, अगर आप उसका जवाब दे दें तो बाकी तह तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ इनका भी मुंह बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात, हरियाणा को जिस प्रकार से जगह जगह स्कूल और कॉलेजेस बनाने के लिए काम चालू करा जो कहा गया था वो हुआ। दूसरी चीज, जहाँ तक ये आए ने नए स्कूल, जहाँ तक हर जिले में नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ कॉलेज का उद्घाटन ना हो। पांच साल पूरा हो जाएगा तब तक खुलते ही रह जाएंगे वो। अरे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, पर्टिकुलर जगह का नाम बता दीजिए जहाँ पे आपने नया स्कूल बनाया हो। हमने काम शुरू करा दिया हुआ है सर, काम शुरू कराना आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है मलिक साहब, आपके मैनिफेस्टो या तो आप मेरे को बात करने काम शुरू कराएंगे। साकेत जी मैं चुप हो जाता हूँ, आप कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप चुप ही हो जाइए साहब। नहीं तो ये कोई तरीका तो नहीं है साकेत जी, बता दीजिए कि क्या आपने इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम पांच साल में काम कराएंगे, सिर्फ काम कराते रह जाएंगे, पूरा होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं काम करा रहे, काम ही तो करा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताइए ना आप। कितने स्कूल खोल दिए आपने सवा चार साल में, कितने स्कूल खोल दिए प्रदेश में? आप बार बार बीच में बोल बोल के आप ये कोशिश कर रहे हैं कि रोकें, तो रोकते रहिए आप सीधा और सटीक जवाब दीजिए ना साहब, बताइए कितने स्कूल खुले हैं, नंबर गिना दीजिए बस। भाई साहब मैं यहाँ पे आपको जो काम हो रहे हैं वो बता रहा हूँ, हर हर कौन से जिले में नया कॉलेज वो बताइए, जो हो चुके हैं वो बता दीजिए, कौन सी जगह नहीं दी गई, या जो हमने बोला था कि 2000 रुपए कर देंगे वो नहीं करा गया,
या ये नहीं करा गया मैनिफेस्टो में कहा था 2000 पेंशन कर देंगे सरकार बनने के बाद आपने कह दिया कि ये तो कंडीशन अप्लाई था 500-500 रुपए बढ़ाएंगे नई उपलब्धियां नहीं दिखाई ₹500 बढ़ाने की बात आपने कर दी सरकार बनने के बाद बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो में आपने 2000 कहा था ये नहीं कहा था कि 500-500 रुपए बढ़ाएंगे वहां भी खेल कर गए आप लोग पंजाब के समान वेतनमान की बात की थी वो नहीं कर पाए आप लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कुछ बातों को लागू करने की बात करते हैं मैनिफेस्टो में लिखा था नहीं तो कैसे कि कुछ आपने ट्वीट करा था कि स्वामीनाथन जी ने करा था कि यही सरकार कर रही है क्या बातें कर रहे हैं साकेत जी अरे अरे रमन मलिक साहब आप अपना मैनिफेस्टो उठाइए उसमें आपने क्या लिखा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे कुछ बातों को आपने उसमें से लागू कर दिया कुछ को कोशिश कर ली आपने कहा कि पंजाब के समान वेतनमान देंगे आप दे पाए क्या आप दे पाए पंजाब के समान वेतनमान रामदास शर्मा ने कहा था कि पक्के कलम कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का कर देंगे अरे, आपने अरे भाई क्या सुनिए क्या उसके बाद आप ये कहने लग गए कि कानूनी प्रक्रिया है साहब तब भी कानूनी प्रक्रिया थी जब रामविलास शर्मा साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा था आप 5 साल में इस देश के जर्नलिस्ट बन गए नहीं बने ना आप कार्यशील नहीं तो जैसे वो करेंगे वैसे जवाब मिलेगा सुनते हैं रमन मलिक साहब आप नोट कीजिए सबके सवाल नोट कीजिए इकट्ठा आऊंगा आपके पास सबके सवाल लेकर के आऊंगा आपके पास रमन मलिक साहब जेडी सिंह साहब को सुनते हैं पहले जेडी सिंह जी मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ शायद या तो आवाज में प्रॉब्लम थी जिस वजह से मुझे पूरी बात नहीं सुन पा रहा था मैं उस समय आपका जो सवाल था कि कांग्रेस ने अपने समय में क्या क्या किया मैं बताता हूं आपको क्या क्या किया हर श्रमिक की जो डेली वेज थी वो कांग्रेस ने 100 रुपए से बढ़ाकर 300 से 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से की उसके बावजूद पीले और गुलाबी कार्ड बनाए गए जिससे के किस जो हमारे गांव में और शहरों में काम करने वाले लोग थे जिनका जो 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 मतलब गरीबी रेखा से नीचे सर बीपीएल कार्ड और वो अलग उसमें बेनिफिट मिलते थे जिसमें खाद्य पूर्ति भी थी उसका बात करिए ना सुनिए एक सेकंड आप एक सेकंड मजदूरों का उनके बच्चों के लिए था उसमें क्या काम करा आपने उनके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी जेडी सिंह साहब विषय ये नहीं है कि बीपीएल के लिए क्या करा विषय ये है कि असंगठित मजदूरों के लिए जो बोर्ड है उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ उसमें क्या बना उसकी कोई मिनट और मीटिंग उसकी कोई कैबिनेट मीटिंग जिससे उसका गठन करने का रास्ता नाम बदलने से वो आप नहीं बताएंगे सिर्फ ये तो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हरियाणा में ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट है भारत में लेबर डिपार्टमेंट है ये उसका उसका एक किस्म का लोगों में मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को अलग बना करके ये लोग ये डिवीजन और राजनीति का जो इनका स्टंट है वो करना चाह रहे हैं इसके अलावा कुछ अरे डिवीजन किस चीज का कर रहे हैं साहब आप तो देश का विभाजन कर रहे और आप बोल रहे हैं हम डिवीजन कर रहे हैं कम से कम ये तो बताइए डिवीजन किसका कर रहे हैं देश की अगर आपको इतनी चिंता होती तो 5 विधानसभा चुनाव में यहाँ पे आप हारते हैं आपके एक मंत्री ट्वीट करते हैं कि जश्न पाकिस्तान में हो रहा है आप तो पाकिस्तान की खबर पढ़ते हो आप 3 और 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं 5 नगर निगम के चुनाव हुए जनता ने सीधे तौर पे मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंडेट है ना इस है ना बट है सीधे तौर पे 5ों जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुन करके आए हैं आप ये मत कहिएगा कि वो अकेले मैदान में थे आपको रोका नहीं था किसी ने आपके आला कमान ने आपको रोका था बीजेपी ने नहीं रोका था नहीं हाँ मैं उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यदि इनका चुनाव कांग्रेस के साथ होता तो समय नहीं इन्होंने रोका था क्या आपको चुनावी मैदान में आने से इन्होंने रोका था क्या इन्होंने रोका था सर हमने पकड़ रखी थी आपको डिसीजन नहीं ले पाए आप दूसरे को पकड़ के मना आपको किसने रोका था आम आदमी पार्टी सबने हमने हाथ पकड़ के रोक दिया था जिन्होंने कांग्रेस को हाथ के निशान पे चुनाव लड़ने से रोका है उन्होंने भुगत ली होगी
नाम बता दीजिए। उन्होंने तो आप एक मिनट नाम, नाम बता दीजिए, एक तो नाम बता दीजिए। अभी झंडे लगे हुए थे कांग्रेस जेडी सिंह साहब, एक तो नाम बता दीजिए कर रहे हैं जिन्होंने भी मेरा जो जिन्होंने भी राकेश तो ये पूछ लीजिए, एक तो नाम बता दीजिए। जेडी सिंह साहब कांग्रेस लोगों का था, डर क्यों रहे हैं? जेडी सिंह साहब डर क्यों रहे हैं? एक तो नाम बता दीजिए, डरिए मत, एक दो नाम बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, नाम ले लीजिए। हम कांग्रेसी हैं, हम डरते नहीं है भाई साहब, नाम ले लीजिए एक दो। अगर डरने वाले होते तो कांग्रेस में होते ही ना। एक दो नाम ले लीजिए, देखिए आप में हिम्मत कितनी है। मैं तो नाम तब ले सकता हूँ ना जब उनके नाम मेरे पास क्लैरिफाइड हो। मेरे पास किसी का नाम क्लैरिफाइड नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि जिन लोगों ने भी इस फैसले को करवाया होगा, ये डर ही है, खुद भुगत रहे हैं क्योंकि अपनी गलती दिल में नाम है, दिमाग पे नाम है, पेट में नाम है, अतड़ियों में नाम है, लेकिन जुबान पर नाम नहीं है। ये डर ही है साहब, ये डर ही है आपका, ये आपका डर है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप खड़े हैं उनके प्रवक्ता के तौर पर, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन अगर इन फ्यूचर राजनीति में संभावनाएं हमेशा बना के रखनी चाहिए, और जेडी सिंह साहब आप जैसे प्रवक्ता हमेशा संभावनाएं बना कर रखते हैं कि कल को सत्ता परिवर्तन ना हो जाए और उनकी सत्ता आ जाए, तो ये कहना ये मुश्किल हो जाएगा कि जी हमने तो आपका खुलेआम नाम ले लिया था कि आपको जनता ने नकार दिया, चाहे वो रोहतक की बात कर लीजिए या हिसार की बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है। खैर, संदीप गोयल साहब आपके पास आना चाहते हैं, मैनिफेस्टो का जिक्र हम कर रहे थे और रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि आप एड्रेस दीजिए, आपको भिजवा देंगे, और 156 क्या उसके अलावा काम करके दिखाया है, खामखा आरोप लगाते हैं आप लोग। सही बात है साकेत जी, काम इन्होंने जरूर किया है, हर तीसरे दिन एक सरकारी स्कूल बंद किया है, बेरोजगार जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको कहीं ना कहीं घर बिठाने का काम भी इन्होंने जरूर किया है। इन्होंने एक काम और जरूर किया है कि किसी भी कहीं ना कहीं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का कोई इन्होंने एक जगह निर्माण भी किया तो ये बता दें, 2 लाख रोजगार देने का वादा करने वाले आज ये मुकरे बैठे हैं, और जो 25 लाख लोग इन्होंने जरूर बेरोजगार रजिस्टर में दर्ज करवाए हैं। हाँ, हर कर्मचारी अधिकारी सबको हड़तालों पे जरूर बिठाया है, जो सक्षम युवा के दिन जो बच्चे आते थे उनको भी धरने प्रदर्शनों पे बैठना पड़ा है। हमारी बच्चियां जो 60,000 बच्चियां थी उनको ANM JNM का पेपर देने के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। ऐसी अनेक उपलब्धियां, SYL का पानी लाना, तो आपकी एक उपलब्धि बता देता हूं, वेतन देना, आपकी एक उपलब्धि बता देता हूँ, जो अपने घर को नहीं संभाल सका वो चला उपदेश देने, घर के ना घाट के और घाट जो है वो आसमान पे। अरे अपने पहले घर तो संभाल लो मलिक साहब, आप प्रदेश संभालने, आप अपने बुजुर्गों को देखें, लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ पर हैं, यशवंत सिन्हा जी कहाँ पर हैं, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ पर हैं, हर चीज का सलाह लेने जाते हैं। वो आपका मार्गदर्शन तो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है, किस प्रकार का मार्गदर्शन आप उनसे ले रहे हो, उनका सम्मान किस प्रकार से हो रहा है वो तो सारी दुनिया में को पता है। मैंने ये बहरूपिया चेहरा आप उतार दे, पूरे हिंदुस्तान की जनता समझदार है, बेवकूफ मत समझिए। आपके नारों से कपड़े उतार कर पेट्रोल डीजल की महंगाई का विरोध करने वालों, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वालों, आपका ये नंगा नाच हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है। कितना आपने किसानों के ऊपर जो मार करी, किसानों को लगभग गन्ने की 300 करोड़ की पेमेंट ना कर पाए, धान घोटाले की खरीद, धान खरीद में घोटाला किया, और जब मांग लोग महिलाओं के ऊपर आपने अत्याचार करवाए, महिलाएं असुरक्षित हैं, हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का आज एक कलंकित हरियाणा बना दिया महिलाओं के ऊपर रेप किया गैंगरेप। रमन मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो हरियाणा का संसार होना पड़ रहा है, इंटरनेशनल लोकदल अपना घर नहीं बचा पाई इसलिए आप उसको वोट मत कीजिए, या आप ये बोलेंगे कि हमने ये करके दिखाया है इसलिए आप हमें वोट कीजिए? साकेत जी, मेरे को इसमें कोई गुरेज नहीं है, मैं अपना काम भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाऊंगा, मेरे को किसी स्वयंभू जिसे बोलना चाहिए ना, एक मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरे तथ्य हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है जनता को देने के लिए, जो काम आज तक कोई सोच नहीं सकता था इस प्रदेश में, जो एक एनहांसमेंट की नीति थी उसको 2 बारी ठीक करके पूरी जनता को, 90,000 से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने मकान लिए थे, जिनको पर लाखों का रोज पड़ता था, उसको भी ठीक करा था। आपने क्यों झूठे फैक्ट बता रहे हो? कि 6 महीने के अंदर जो जीजा जी हैं वो जेल चले जाएंगे, हमें ये सुन के अच्छा लगा था, हमने आपको वोट कर दिया था।
आपने तो कहा था कि जो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे उस वक्त वो जीजा चले जाएंगे, हमने आपको वोट कर दिया था। 154 वादों की हकीकत भी हम देख रहे हैं। जीजा जी साकेत जी बात रहे हैं, और मुख्यमंत्री कहा है ये भी हम देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं। बात हाँ, तीनों चीजों का जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए बात। पहले शुरू करिए जीजा जी से, चाहे वो जीजा जी हों, चाहे वो एजेएल में सपोर्ट करने वाले हुड्डा साहब हों, चाहे आय से अधिक संपत्ति वाले चौटाला साहब हों, ये तीनों के तीनों को जेल जाना तय है। लेकिन उनको ये नहीं करना कि जी हम उनको न्याय की पूरी प्रक्रिया ना दें। हम तानाशाह नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। आपने कहा था डेमोक्रेसी में जेल चले जाएंगे, डेमोक्रेसी है। क्यों कहा था ये स्टेटमेंट, क्यों दिया था आपने? क्या आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वापस ले लेंगे? आपने क्यों कहा था 6 महीने में जेल भेज देंगे? तो बोला हमने, हमने तो केस करे हैं उनके ऊपर। तो फिर आप मतलब ऐसे हवा हवाई बातें, क्या हवा हवाई सारी बातें चलेंगी रमन मलिक साहब? ठीक है, मंदीप बिश्नोई साहब के पास चलते हैं। मंदीप बिश्नोई साहब, बीजेपी ये कह रही है काम कर दिया है, आपको भी उतरना है और आपको विधानसभा से पहले जींद के बाई इलेक्शन में भी उतरना है, अगर आप लोग चाहेंगे तो, कि जींद के बाई इलेक्शन में एक लिटमस टेस्ट भी हो जाए, एक नेट प्रैक्टिस भी हो जाए असल एग्जाम से पहले। सर हमारे तो हर छोटे, अगर रमन मलिक साहब एक सेकंड मैं जरा मंदीप बिश्नोई साहब से ये सवाल कर रहा हूँ। मंदीप बिश्नोई साहब, सेमीफाइनल बनाएंगे नई पार्टी 5 साल जीत बाई इलेक्शन में भी आएगी, तो अब आपको प्रूफ भी करना है साहब। अभी एक विधानसभा, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका आधार कितना है, जमीन कितनी मजबूत है। आके जी, निश्चित तौर पर सरकार जींद उपचुनाव से अब तक घबरा रही थी, अब शायद ये नगर निगम चुनावों के परिणामों को देख करके उस चुनाव की घोषणा कर दे। निश्चित तौर पे जननायक जनता पार्टी जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रचार प्रसार करती है, उनमें विश्वास रखती है और उनकी जो विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक संगठन है, जींद का उपचुनाव 100% हम लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां हार का मुंह देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, रमन जी से जब भी 154 वायदों के बारे में पूछा जाता है तो ये रमन जी से अगल बगल में बातें करने लग जाते हैं। नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूं, मेरे को अपने एड्रेस पे किताब भेजता हूं ना आपको, एक सीधी बात तो बताइए, एड्रेस तो आप सबके पास है, आप हरियाणा प्रदेश की जनता को भेज दीजिए, हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो भेज दिया, आप जाके पता करिए। और आप टीवी के माध्यम से आप दिखा दीजिए रमन जी, टीवी के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए कि आप ये उपलब्धियां हैं, आपकी उपलब्धियां हैं बेहतर लोगों की जान लेना, 1000 लोगों को घायल करना, 3 दंगे हरियाणा में कराना, आपकी उपलब्धियां ऐसी ऐसी हैं, बाहर हरियाणा के लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारा हरियाणा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था उसमें शांति का माहौल है, चाहे वो चाहे वो बच्चे हो चाहे युवा हो, हमारे जाटों को करना है पंजाबियों को, बेहतर लोगों का एक रिकॉर्ड आपने कायम कर दिया हरियाणा के अंदर, लोग मौत के घाट उतार दिया आप लोगों ने, 3 दंगे आपने शांति प्रिय शहरों को जुड़वा दिया, आपकी उपलब्धियां हरियाणा की जनता देखती है। और एक और रमन मलिक जी, कभी आप मेयर के चुनाव को लेकर सोचो कि आप मेयर के चुनाव जीत के तो विधानसभा जीत जाओगे, तो बराबर में दिल्ली प्रांत है, वहां पर एमसीडी के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो विधानसभा के चुनाव अरविंद केजरीवाल जीते थे। इस सत्ता के इस नशे में मत रहना कि आप लोग एमसीडी जीतोगे तो आप विधानसभा जीत जाओगे, हर मैदान का अपना अलग स्टाइल ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, एक सेकंड, आप सबको रोक रहा हूं। रमन मलिक साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, रमन मलिक साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा साहब किस नंबर पर है? लेकिन सुनो, महिलाओं की सुरक्षा रमन मलिक साहब कितने नंबर पर है, इसकी प्राथमिकता कितने नंबर पर है? साकेत जी एक सवाल और है साहब, एक चीज बताता हूं, अगर ये चुप रहेंगे सही एक चीज, रमन जी एक सेकंड रोक, एक सेकंड, सरकारी अस्पतालों की जो आज की हालात है वो इतनी खराब है कि किसी के इक्विपमेंट नहीं है, डायलिसिस आपने देने की बात की अब तक नहीं है, पानी की टंकियों पर मंत्री जी ने एक बार चढ़ करके उसके बाद उसे भूल गए, आज हालात इतनी खराब है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, लोगों के बच्चों को उचित शिक्षा सही शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी आप कह रहे हो हमने बहुत कुछ बदल दिया, आपने बदला तो केवल भाईचारा माहौल बदला है। ठीक है रमन मलिक साहब, अब रुकिए, ऐसा है जहां पे ग्रेस मार्क्स दे के हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट 65% आता था, वहां बिना ग्रेस मार्क्स दिए हुए 52-55% आना शुरू हो गया, ये बदलाव होता है, ये घर बैठे नहीं होता। दूसरी चीज,
जहां पे आप बोलते हैं कि बच्चों का स्तर नहीं था, नौकरी नहीं थी, नौकरी हरियाणा बोर्ड के बच्चों की नौकरी लगनी गुड़गांव जैसे शहर में बढ़ गई है बनिस्पत की आज से 5 साल पहले जो हालत। लेकिन नौकरी की जैसे बात करते हैं ना रमन मलिक साहब, तो फिर मेरे सामने हाँ। वो 2 लाख का आंकड़ा आ जाता है। सर आपको एक चीज बताइए, 2 लाख का आंकड़ा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये भी देखिए कि मुद्रा लोन के अंदर कितने लोगों ने लेकर अपना स्वरोजगार शुरू करा, ये भी देखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में कितना आया, ईएसआई में कितना बढ़ा। आप जो चीज दिखाना चाह रहे हैं ना, जो चीज दिखाना चाह रहे हैं आप कि मुद्रा लोन लोकर कितने लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया, क्या हुआ? मैं कितने लोग में नहीं जाऊंगा। रमन मलिक साहब स्वरोजगार कितने लोगों ने शुरू किया? वैसे आपको याद आई प्राइवेट कंपनी में कितने लोग लगे, सरकारी नौकरियां कितनी मिली? एक आंकड़ा, एक कॉन्क्रीट आंकड़ा तो रखिए ना साहब, जिसमें किसी तरह की शक शुबा की बात नहीं हो। बता रहा हूं तो मैं किसी बेसिस में बता रहा हूं, क्योंकि एक आंकड़ा बनते हुए समय लगता है, लेकिन ये एक फैक्ट है। अभी भी उस आंकड़े को आप लोग तलाशने में समय लगा रहे हैं। अभी तक तो प्रदेश के 8 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, जो आपने 2 लाख का वादा किया था प्रदेश में, 2 करोड़ का आपने वादा किया था देश में, ना देश वाला पूरा हुआ ना प्रदेश वाला पूरा हुआ। अरे आपको नौकरी मिली हुई है ना साहब, आपकी नौकरी तो नहीं गई। नहीं, मेरी नौकरी मिली हुई है तो ये आपने थोड़ी ना दी है साहब। आपकी सरकार आने से पहले से मैं नौकरी कर रहा हूँ। आपकी आपकी सरकार आने से पहले नौकरी कर रहा हूँ। ये आरटीआई से मिली हुई सूचना है। सर एक मिनट भाई साहब, आप जरा साकेत को बात करने दीजिए, साकेत जी से बात करने दीजिए, जरा शांत रहिए। साकेत जी आप दूरदर्शन में क्यों नहीं है? अरे आप छोड़िए ना, बीच में मत आइए। साकेत जी आप दूरदर्शन में क्यों नहीं है? मेरी मर्जी है साहब कि मुझे कहाँ काम करना है। तो ऐसे उन बेचारों की भी मर्जी है भाई साहब, वो कहाँ काम करेंगे? कहीं तो करेंगे ना साहब, नौकरी नौकरी नहीं होती। कहीं तो करें, सिर्फ सरकारी नौकरी नौकरी नहीं होती है, कहीं तो करेंगे ना साहब। अगर आप जो लोग नहीं कर रहे उनका बताइए ना, जिनको सरकारी नौकरी मिलनी है इस प्रदेश के अंदर, बिना 22 लाख लोग युवा हमारे बेरोजगार मिलनी शुरू हो गई है मेरिट के ऊपर। मैं तो रमन मलिक साहब आपसे आंकड़े मांग रहा हूँ, ये बताइए, आप आंकड़ों के जरिए प्रूफ कर दीजिए, आंकड़ों के जरिए आज मुंह बंद कर दीजिए हम लोगों का कि आपने 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी है, मुंह बंद कर दीजिए। सर मेरे को आप ये बताइए, मैं तो उससे ज्यादा लोग हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा नहीं होगा आज जिसके पास कोई ना कोई श्रम का कोई ना कोई रास्ता ना हो कमाई का। मजबूरी का नाम हम लोगों ने सुना था महात्मा गांधी, अब आप कह रहे हैं मजबूरी का नाम बीजेपी सरकार रख ले तो बीजेपी सरकार रख लेते हैं। मजबूरी में कुछ तो करेगा भैया, दिखाइए कुछ तो काम करेंगे, सुनता दिखाइए कुछ तो काम करेंगे, तो आज से हम लोग रख लेते हैं। के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि मजबूरी का नाम बीजेपी सरकार दिखाइए। अरे सहनशूलता दिखाइए मेरे भाई, सहनशूलता दिखाइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि सरकारी एक चैनल या राज्यसभा टीवी है या दूरदर्शन है, आप मीडिया की लाइन के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइन में हैं। आज आप जो हैं, आप सरकारी जब नौकरी आपके पास नहीं है तो क्या आप रोजगार आपको नहीं मिला हुआ? आप तो मेरे को इतना सा जवाब दीजिए, हाँ या ना। बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन इसमें आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे ही सरकार का काम होता है वो मौके बनाना जिससे रोजगार बने। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना रमन मलिक साहब, आपने कितने ऐसे मौके बनाए? कुछ तो आंकड़ा होगा, कोई तो फिगर होगा, कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा, कोई तो हिसाब रख रहा होगा। तो ये बताइए कहाँ कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास अपने स्वरोजगार का। मैं चाहूंगा रमन मलिक साहब, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको इस पर और आंकड़े जुटाकर रखने चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सबकी जुबा पर बस एक ही सवाल है कि आखिर किस तरीके से चुनावी मोड में कह लीजिए, चुनावी मोड पर कह लीजिए, चाहे आपको जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन इतना तय है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीति गर्म होगी। सर्दी का मौसम बेशक है, सर्दी और बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक बयान, राजनीतिक कदम, राजनीतिक फैसले ऐसे होंगे जो पारा बढ़ाएगा सियासत का। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।